भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आखिरकार संस्था विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट लेने के बाद शमी मैदान पर घुटने के बल बैठ गए थे, जिसके बाद कई यूजर्स ने इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया था। आज तक को दिए गए इंटरव्यू में शमी ने इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, अगर कोई सजदा करना चाहता है तो उसे कौन रोकेगा। मैं किसी को आपके धर्म से नहीं रोकूंगा, आप किसी को मेरे धर्म से नहीं रोकेंगे। अगर मुझे सजदा करना होगा तो मैं करूंगा, समस्या क्या है। मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि मैं मुस्लिम हूं, मैं इसे गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक भारतीय हूं। बता दें कि शमी को 26 दिसंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।